गाइस, मेरी लाइफ भी आप ही की तरह एक सिंपल है। मैं अपनी लाइफ को सिंपल जीना पसंद करती हूँ। ऐसा नहीं है कि यूट्यूबर की लाइफ अलग होती है, हाई फाई टाइप की होती है। ना ही अपने आप को एज अ यूट्यूबर किसी को प्रेजेंट करती हूँ और ना ही मेरे में कुछ इस तरह का एटीट्यूड आता है। इतना है कि लोगों के बिहेवियर की वजह से या फिर अपने आप को उनके लिए चेंज करना होता है। बाकी जो मेरे साथ जैसा रहता है मैं उनके साथ वैसे रहती हूँ, उनको दूर रखती हूँ अपने आप से, और मैं खुद उनसे दूर रहना पसंद करती हूँ। ऐसे लोगों के लिए हमारे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं होता है। अगर आप ऐसे लोगों के साथ उठते बैठते हो तो आप भी या तो वैसे ही हो जाओगे या फिर आपका जो कीमती वक्त होता है आप उनके साथ जाया कर रहे हो, ऐसा मुझे लगता है। हाँ, जिन लोगों को मेरा YouTube चैनल चलाना या फिर मेरा यूट्यूबर बनना पसंद नहीं है, तो मैं ऐसे लोगों को बोलूँगी कि अगर आप एक अच्छे और शरीफ इंसान हो तो आप कोई फिल्म मत देखो, आप कोई किसी का यूट्यूब चैनल मत देखो, आप जिसके खिलाफ़ हो आप उसको बिल्कुल भी मत देखो। मैं बोलूँगी कि आप जो चीज़ पसंद करते हो, आप जैसा लाइफस्टाइल पसंद करते हो, आप वैसे लाइफस्टाइल वालों के चैनल को देखो, उनके वीडियोस को देखो। जब लोग हमें पसंद नहीं करते तब भी वो हमें देखते ही रहते हैं, क्यों, जबकि आपको पसंद है ही नहीं। तो इसीलिए मैं उनको भी यही कहना चाहूँगी कि आप भी अपना टाइम ज़ाया मत कीजिए। आप जैसे हैं आप उनको फॉलो कीजिए, हमें एक फॉलो मत कीजिए। अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हो तो मैं अभी आपको बोलती हूँ कि आप मुझे अनफॉलो कर दो। हमारे काम को गलत बताते हैं लेकिन हमारी ही चीज़ों को फॉलो करते हैं। अगर आप लोगों की इज्जत नहीं करोगे तो आपको बिल्कुल भी इज्जत नहीं मिलेगी। सो गाइस, मेरा वीडियो टाइम एंडिंग हो चुका है, लेकिन हाँ, जाने से पहले एक बार, आप लोगों को जितना रेस्पेक्ट देते हो लोग भी आपको उतनी ही रेस्पेक्ट देंगे या फिर हो सकता है उससे ज़्यादा रेस्पेक्ट देने की कोशिश करेंगे। अगर आप लोगों को इज्जत नहीं दोगे तो बदले में आप उनसे इज्जत की उम्मीद मत रखिएगा। कि हम यूट्यूब पर काम करके अपना जो पसीना बहाते हैं, हमारी मेहनत लगाते हैं, जी जान लगाते हैं, उससे जो हम अर्न करते हैं, जो पैसे हम कमाते हैं, वही हमें यूट्यूब पर लगाना पड़ता है। बैकग्राउंड के लिए पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है, चैनल के लिए इन्वेस्ट करना पड़ता है, और हर चीज़, वो चीज़ लाइफ की हर वो चीज़ होती है जिसके लिए हमें हमारे पैसे बहुत सारे इन्वेस्ट करना पड़ता है, यहीं से कमाना होता है और यहीं पे खर्च करना पड़ता है। और तो और हमारी फैमिली भी होती है, हमारे बच्चे होते हैं, हमारा घर होता है, और हम खुद पे अपने आप पे भी हमारे ख्वाहिशें पूरी करने की कोशिश करते हैं। तो इसीलिए सेविंग तो नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ, जितना भी हम कमाते हैं आज के लिए जी लेते हैं, अपने हर वो काम के लिए वो पैसे इन्वेस्ट कर देते हैं जो हमारे लिए ज़रूरी होता है, चाहे वो फैमिली हो, बच्चे हो, घर हो, या फिर यूट्यूब चैनल हो। जो भी करते हैं हमारे खुद की मेहनत से करते हैं, वो हमारी मेहनत होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई लवलीज, सी यू सून, बाय बाय।